आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर और लच्छा पराठा कॉम्बो। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। आज के आप में इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका और उसके साथ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक ये लच्छा पराठा बताया है। तो जब भी आपको रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन हो या फिर गेस्ट आ जाए और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा नहीं हो, तो आप फटाफट इस कॉम्बो को बनाएं, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिए हैं। पनीर को अपने हिसाब से आप काट लें या फिर ऐसे क्यूब्स में काट लें। आधा कप मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है, आप इसकी जगह फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप मैंने पिसा हुआ प्याज लिया है, तो दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने मिक्सर में पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। तेल हम यूज़ करेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच। एक बड़ा चम्मच यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे, आप इसकी जगह 10 से 12 काजू को पानी में भिगो के उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे 4 बड़े चम्मच डाबर होममेड का टमाटो प्यूरी। ये बना है 100% पके हुए टमाटर से और इसमें ना ही कोई फूड कलर है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। एक छोटा चम्मच हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। थोड़े से हम इसमें खड़े मसाले यूज़ करेंगे, तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची तोड़ के और थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लास्ट में यूज़ करेंगे। बाकी मसालों में आधी छोटी चम्मच जीरा ले लेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। तब हम चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए एक पैन में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दें और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। पनीर को हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो जैसे यहाँ पे पनीर का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो फ्राई किए हुए पनीर को गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उससे पनीर बहुत नरम हो जाते हैं। तो मैं इसे अलग रख देती हूँ और सेम पैन में वापस 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म करेंगे। तेल के गर्म होते इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और जीरा डालेंगे। कसूरी मेथी हम बाद में ऐड करेंगे। तो इन तीनों को थोड़ा सा भून लें। इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। तेल अगर ज़्यादा गर्म है तो हल्दी लाल मिर्च नहीं डालें, नहीं तो वो जल जाएगा। तो इसे मिला दें, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर ये प्याज डाल दें इसमें। प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है, तो इसे ऐसे मिला दें और लो फ्लेम पे ढक के 6 से 8 मिनट तक पकाएं। जब तक कि मसालों से तेल अलग नहीं दिखने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे पैन को कवर कर दें और पकने दें। 8 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया और यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो एक छोटा चम्मच यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ और ये पेस्ट डाल दिया मैंने। पेस्ट को हम प्याज के साथ 1 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ पे इसे ऐसे भून लें। जैसे ही प्याज और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दें और इन दोनों को मिला के 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें। जब भी आप मटर पनीर या कोई भी दम आलू वगैरह बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मसालों को अच्छे से भूनना है। तो ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे डाबर होममेड का टमाटो प्यूरी यूज़ किया है। ये प्यूरी करी में परफेक्टली घुल जाता है और ये करी के थिकनेस और टेस्ट को भी बढ़ाता है। इस टमाटो प्यूरी का 2 बड़ा चम्मच 1 मीडियम साइज के टमाटर के बराबर होता है। आप इस प्यूरी को राजमा, दम आलू या आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 बड़े चम्मच टमाटर की प्यूरी डाल दी मैंने, मिला दी इसे प्याज के साथ। अब हम टमाटर की प्यूरी को 3 से 4 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दिया मैंने। पैन को कवर करके 3 से 4 मिनट पकने दें। तो यहाँ पे पैन को कवर किया। 3-4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे हम। तो ये हमारा मसाला जो है वो पक गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो 1 कप या फिर 1 ग्लास के करीब पानी डाल दें। पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर यूज़ किया है जिसे पहले से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हरा मटर यानी कि फ्रेश मटर यूज़ करें तो उसे पहले से थोड़ा सा भून लें। तो यहाँ पे ये तेज़पत्ता वगैरह आप चाहे तो निकाल दें। तो मैं यहाँ पे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची निकाल देती हूँ ताकि ये खाने का मज़ा ना ख़राब करे। अब हम पैन को कवर कर देंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही करी में उबाल आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये पनीर डाल दें। पनीर डालने के बाद हम इसे ढक के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे पनीर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर दें और पैन को कवर कर दें।
दो तीन मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और ये हमारी सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए, गरम मसाला डालने के बाद कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, तो इसे ऐसे स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद हम तुरंत गैस को ऑफ कर देंगे और करी को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। हमें इसमें क्रीम डालना है, तो क्रीम जो है वो गर्म ग्रेवी में ना डालें, नहीं तो कभी कभी वो फट जाता है। तो यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ा ठंडा कर लिया मैंने और इसके बाद ये क्रीम डाल दें और इसके बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और वापस गैस को ऑन करके एक मिनट और पकाएंगे। आप चाहें तो गर्म ग्रेवी में भी क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन फटने से बचने के लिए आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करें। तो एक मिनट बाद ये हमारी मटर पनीर जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि होटल या रेस्टोरेंट में मिलता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। तो और इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और ये सब्जी हमारी जो है वो रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। अब हम लच्छा पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में आधा कप आटा और आधा कप मैदा ले लें, दोनों की इक्वल क्वांटिटी यूज़ करें। फिर हम इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, चिली फ्लेक्स इसमें ऑप्शनल है। एक बड़ा चम्मच घी डाल दें। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे। घी की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आटा और मैदा में मैंने मिला दिया। अब हम इसमें पानी मिला के इसका एक डो बना लेंगे। तो नॉर्मल जैसे रोटी या चपाती के लिए डो बनाते हैं वैसा ही बनाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना गूंदे। आप इस पराठे में मैदे को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा डो रेडी हो चुका है। तो एक कप आटा मैदा के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया था। तब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम इस डो को वापस एक बार गूंद लेंगे। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे जितना हमने ये डो लिया है इसमें चार पराठे आराम से बनेंगे। तो यहाँ पे पहले से लोई बना के रख ले, उसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये हमारी लोई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा रखी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता रखा है, धनिया पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे ये लोई लेके सूखा मैदा या आटा लगाएं और उसके बाद जैसे रोटी या चपाती रोल करते हैं वैसे ही आप इसे रोल कर ले। गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शेप में आप इसे रोल कर ले चलेगा। तो यहाँ पे पतला रोटी मैंने रोल कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर तेल या घी लगा देंगे, जो भी आपको पसंद है। तो ऊपर की लेयर में अच्छे से घी या तेल लगा दें, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा ऐसे स्प्रिंकल कर दें। तो यहाँ पे ये मैदा स्प्रिंकल किया मैंने। अब हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, इससे ये पराठा दिखने में अच्छा लगेगा और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये धनिया पत्ता डाल दिया मैंने। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं कि फोल्ड कैसे करना है। यहाँ पे ये प्लेट्स को पकड़े और सामने की तरफ ले जाके वापस पीछे कर दें, जैसे हम पेपर का पंखा बनाते हैं या फिर साड़ी के प्लेट्स होते हैं वैसे इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, एक बार सामने और एक बार पीछे। इसकी वजह से पराठे में बहुत सारे प्लेट्स आएंगे। तो यहाँ पे फोल्ड किया मैंने। सबसे ऊपर की लेयर में वापस थोड़ा सा तेल और सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। लच्छा पराठा बनाने का दो तीन तरीका होता है, ये वाला ईजी है इसलिए मैंने ये प्रोसेस बताया है। तो यहाँ पे अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे बीच में एक उंगली रखिए और ऐसे राउंड राउंड इसे घुमा दे। एंड का जो पार्ट है उसे ऐसे उठा के और सेंटर में ऐसे प्रेस कर दें और उसके बाद ऊपर के साइड से इसे हल्का से ऐसे घुमाते हुए चपटा कर लें। तो ये हमारी एक लच्छा पराठे की जो लोई है वो रेडी हो चुकी है। वापस सूखा मैदा लगा के हम इसे रोटी या पराठे की तरह रोल कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसे रोल करना शुरू करेंगे इसकी लेयर जो है वो आपको ऊपर से ही दिखने लगेगी। तो हमने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता डाला है, जिसकी वजह से ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है और टेस्ट तो वापस वही बोलूँगी, पूछिए मत। तो ये हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से दूसरे पराठे को रोल कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे रोल कर लें और उसके बाद इसके ऊपर तेल लगाएं और उसके ऊपर वापस थोड़ा सा सूखा मैदा और धनिया पत्ता डाल के हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे नाइफ से पतले पतले स्ट्रिप्स कट करके और एक के ऊपर एक प्लेट रख के और वापस इसे रोल कर सकते हैं। वैसे भी पराठा अच्छा बनता है, लेकिन वो थोड़ा मेहनत का काम है। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसे ऐसे सेंटर में रोल कर लेंगे जलेबी की तरह और उसके बाद एंड पार्ट को ऐसे सेंटर में डाल के बंद कर दें और फिर पहले वाले पराठे की तरह हम इसे रोल कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसी लोई बना के फ्रिज में रख दें और जब आपके घर में गेस्ट आए तो उसे रोल करके और पका के गर्मा गर्म खिला सकते हैं। तो ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो इसे सेकने के लिए तवा गर्म किया है मैंने, इसके ऊपर डाल दें और थोड़ा सा पकने के बाद हम इसे पलट देंगे। फिर इसके ऊपर तेल या घी लगा दें, मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। घी लगाने से पराठा थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी होता है और स्वाद में भी अच्छा आता है।
तो यहाँ पे इसे पलट के दोनों साइड से तेल या घी लगा दें और जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। इस वाले पराठे में तेल या घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होता है ताकि इसकी जो लेयर है वो अच्छे से दिखे। ये वाला पराठा आप तुरंत खाएं, इसे ठंडा होने के बाद नहीं खाएं, नहीं तो ये ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो ये पराठे की लेयर दिखने लगी है, तो पराठा हमारा अच्छे से पक गया है। हम इसे निकाल लेते हैं इस प्लेट में और सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा जो है वो सेक लेते हैं। तो यहाँ पे इसे पलट देती हूँ मैं। अगर आप ये लच्छा पराठा सिर्फ मैदे का बनाएंगे तो इसकी जो लेयर है वो और अच्छे से बाहर दिखेंगी। तो ये हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो मटर पनीर हमने बना के रखा है और ये हमारा लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए जैसे होटल या रेस्टोरेंट में मिलता है ना ये कॉम्बो, वैसे वाले प्लेट में मैं इस पनीर को निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं पनीर का कलर और टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया है। तो बिना फूड कलर के रेस्टोरेंट जैसी सब्जी आप घर पर बना सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा अनियन रख देंगे जो रेस्टोरेंट में मिलता है, और इसके साथ ये जो कॉम्बो है वो लच्छा पराठा का, तो लच्छा पराठा रख देते हैं। तो जब भी आपको रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे या फिर अनप्लान्ड गेस्ट आ जाए और बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाने का मन नहीं हो तो आप इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर बनाएं, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।